एवरीबॉडी मई सिर्फ ज्योति मयकर एंड दिस इज पार्ट फाइव ऑफ फूड फॉर ब्रेन सो आज का जो टॉपिक है वो है डोंट इमिटेट वी आर वायर्ड टू इमिटेट लुक एट दिस पिक्चर यू विल सी दैट हम लोग एक दूसरे की जस्ट नकल किए जा रहे हैं किसी भी डोमेन में अगर आपको टॉप वन परसेंट में होना है तो आप किसी और की क्यूज लेके या किसी और को फॉलो करके या 99 नाइन परसेंट पीपल जो सोशल नॉर्म्स फॉलो करते हैं वो सब करके आप कभी भी टॉप वन परसेंट में नहीं आ सकते हाँ किसी को इमिटेट करके किसी को फॉलो करके यू कैन बी लाइक देम यू कैन बी द ऑर्डिनरी काइंड ऑफ थिंग बट अगर आपको टॉप वन परसेंट में आना है सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी ओरिजिनल एंड यू आर नॉट इमिटेटिंग एनी वन एल्स बींग औरिजिनल अगर कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल है कोई भी चीज़ मीनिंगफुल है कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग है दैट मीन्स इट इज़ औरिजिनल इट हैज़ टू बी औरिजिनल सो दैट इट विल बी इम्पॉर्टेंट ब्यूटीफुल मीनंगुल एज़ वेल एज इंटरेस्टिंग जो हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ औरिजनल होनी चाहिए हमें किसी और की नकल नहीं कर रही है ये बोलने में बहुत आसान है बट इट इज़ हार्डर दैन इट्स साउंड्स इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट दिस इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे आपको आपका रास्ता खुद बनाना है देर इज नो वे टू फॉलो सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर डिफिकल्ट सेट असाइड साइड में रख दो वॉट यूर फ्रेंड्स एक्सपेक्ट आपके दोस्त आपसे क्या उम्मीद रखते हैं आपके पेरेंट्स आपसे क्या डिमांड करते हैं आपके जान पहचान वालों को आपसे क्या चाहिए सेट असाइड ऑल दिस थिंग्स एंड बिगिन बिगिन विथ मोस्ट टेरीफाइंग ऑफ ऑल द थिंग्स वॉट यू हैव टू बिगिन विथ यू हैव टू बिगिन विथ अ क्लीन स्लेट जहाँ पे किसी और की कोई भी चीज़ नहीं है इट्स जस्ट अ क्लीन स्लेट एंड यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरी ओके लुक वॉट यू हैव टू डू लुक एवरी डेट द चॉइसिस यू आर मेकिंग आपकी चॉइस आप कौन सी चीज़ें चूज कर रहे हो केयरफुली थिंक अबाउट दैट खुद से क्वेश्चन करो वाई आई एम मेकिंग दैट चॉइस एंड अगर उसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर एक तो आप चॉइस कर रहे हो एंड यू आर पेइंग फोकस टू कि वॉट आर योर चॉइसेस उसके बाद में आप उससे खुद से उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे हो कि वाई एम आई मेकिंग दिस चॉइस एंड अगर उसका आंसर आता है फॉर मी मैं खुद के लिए ये चॉइस कर रही हूँ बिकॉज मैं मेरी जो चॉइस है वही मैं हूँ वही मैं बनना चाहती हूँ मैं वैसी ही हूँ आई मीन टू बी दैट मीन्स वॉट एवर चॉइस यू हैव मेड दैट इज़ करेक्ट वन it is better to fail with originality than to succeed with imitation this is a very good thought and you have to give a thought to this thought because being original is far far better than imitating someone see i have seen many quotes where I mean, uh, one of the writer he has said that uh, you cannot write well without imitating other writers and if you are in new to writing, it is always better to start by write, imitating others. There are many may various fields where there are people who say that imitation is also an art and uh, I am not saying it is bad to imitate others. We imitate that. We learn by imitating. That is another story. Imitation, there is, a part of imitation is important. You cannot uh, a for a child, it is important to imitate because by imitating he is learning. But eight point aata hai, jaha pe nakal karke aage sakte. so that point where you have to be your own, you have to be original. Wo jo line, hai, That is a very thin line, that is a point where you will reach in your life that time you have to realize that i have to be original if you have liked my post please like share and subscribe thank you